Hey guys, in this video we'll be taking up Hamming distance. Hamming distance basically हम use करते हैं error detection में. ठीक है, तो Hamming distance ये जो question है आपके सामने, ये question पूछा गया था gate 1995 में. ठीक है, बहुत ही simple question है इसलिए मैंने इसे सबसे पहले लिया. तो gate 95 में जो question पूछा गया, Hamming distance निकालना है इन 6 bits में. एक्चुअली में दो तरह का Hamming distance होता है. एक तो होता है डी मिनिमम, जिसका मीनिंग होता है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑल दी गिवन कोड वर्ड्स, इन्हें हम कोड वर्ड्स बोलते हैं. ठीक है, एक होता है डी मैक्स, कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है. ठीक है, डी मैक्स मोस्टली हम यूज नहीं करते. ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया हो कि वेदर गोइंग फॉर मिनिमम और मैक्सिमम, ऑलवेज गो फॉर मिनिमम. मिनिमम इज द डिफॉल्ट. ठीक है, मिनिमम से ही हम पता कर सकते हैं कि कितना बिट का एरर है जो डिटेक्ट हो सकता है. ठीक है, मैं समझाऊंगा आपको बिट बाय बिट कि इसका ऐसा क्यों है. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बिट्स लिख लेते हैं. ये मैंने पहला लिख लिया, देन वी हैव दिस, देन वी हैव ओके, सो दीज आर सिक्स कोड्स गिवन. लेट मी से कोड वर्ड 1, कोड वर्ड 2, कोड वर्ड 3, कोड वर्ड 4, कोड वर्ड 5 एंड कोड वर्ड 6. ओके, हमें हर परम्यूटेशन का ढूंढना है डी मिनिमम. ठीक है, मान लीजिए तो परम्यूटेशन क्या क्या बनेगी, C1 की C2 के साथ, C1 की C3 के साथ, C1 की C4 के साथ, एज ऑलवेज C1 का C5 के साथ, C1 का C6 के साथ. Then same goes for C2 का C3 के साथ, C2 का C4 के साथ, C2 का C5 के साथ, C2 का C6 के साथ. Then same goes with others, C3 का C4 के साथ, C3 का C5 के साथ, C3 का C6 के साथ. And then we have to find C4 का C5 के साथ, C5 का C6 के साथ. इतने सारे हमें कॉम्बिनेशंस फाइंड करने हैं. ठीक है, सबसे पहले C1 C2 का डिस्टेंस देख लेते हैं. C1 डिस्टेंस कैसे देखते हैं, जितने बिट्स चेंज मिले आपको, मतलब पहला बिट ये चेंज मिला, फिर ये वाला बिट चेंज मिला है, ये तो सेम है ना, ये वाला बिट सेम है और ये वाला बिट चेंज मिला, कितने बिट चेंज मिले, 2, और ये 3 बिट चेंज मिले. ठीक है, 1, 2 एंड 3. ठीक है, और ये वाला तो सेम है, तो 3 बिट चेंज मिले, इनका डिस्टेंस क्या हो गया, 3. सिंपल, ना डी मिन ना डी मैक्स, सिंपल इनका डिस्टेंस 3 हो गया. ठीक है, नाउ वी विल गो फॉर C1 एंड C3, ये वाला और ये वाला. कौन कौन से चेंजेस हैं, लेट मी हैव डिफरेंट कलर फॉर दिस. ओके, सो एक तो चेंज, ये तो सारे जीरोज हैं और यहाँ पे 3 वन्स हैं, ये तो सारे जीरोज हैं और यहाँ पे 3 वन्स हैं. ठीक है, तो इसका मतलब 3 बिट चेंज हुए हैं. कौन कौन से, दिस, ये वाला नॉट दिस. ठीक है, एंड दिस, ये और ये 3 बिट चेंज हो, तो इसका डिस्टेंस भी कितना होगा, 3 हो गया. ठीक है, या आप एग्जॉर भी कर सकते हैं किसी, अगर मान लो आपको प्रोग्राम लिखना है हैमिंग डिस्टेंस फाइंड करने का, तो 2 कोड वर्ड्स लिखिए, एग्जॉर करा दीजिए, जहां पे डिफरेंट वैल्यूज होंगी वहां पे वो 1 दे देंगे, काउंट द नंबर ऑफ 1 इन द रिजल्टेंट. ठीक है, वो आ जाएगा. मैं आपको वो ट्रिक भी सिखा देता हूँ, बहुत ही आसान है, कुछ बड़ी बात नहीं है. C1 C4 की बात कर लेते हैं. मान लीजिए C1 क्या है, ये. ठीक है, और C4 क्या है, C4 इज दिस. इनका एग्जॉर करेंगे जब आप, एग्जॉर का टेबल क्या होता है, एग्जॉर का टेबल क्या होता है गाइस, एग्जॉर का टेबल होता है 0001 1011, जहां पे डिफरेंट है वहां पे 1 आ जाएगा, जहां पे सेम है वहां पे 0 आ जाएगा. तो दिस इज द टेबल ऑफ एग्जॉर, तो जहां पे डिफरेंट है वहां पे 1 आ गया और जहां पे सेम है वहां पे 0 आ गया. कितने नंबर ऑफ 1s आ गए एग्जॉर में, 3, तो कितना डिस्टेंस हो गया, 3. ठीक है, तो ये बेसिकली चीजें हैं. ओके, सो नाउ, तो गाइस नाउ C1 का C5 के साथ निकालेंगे. ठीक है, तो C1 का C5 के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 वन्स हैं और वहां पे सारी जीरोज हैं, तो 3 आ गया. C1 का C6 के साथ निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पे सारे वन्स हैं और यहाँ पे सारी जीरोज हैं. ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया, 6 हो गया. ठीक है, तो ये अभी तक मेरा मैक्स डिस्टेंस है. जो मैक्स है मेरे पास अभी तक क्या आया है, डी मैक्स बोलेंगे जिसे, दैट इज 6, और डी मिन है जो, वो अभी तक 3 आया है. ठीक है, अब औरों का निकाल के देखते हैं.
मान लीजिए मैं सी टू का निकालता हूँ, सी टू सी थ्री का, सी टू में क्या है और सी थ्री में क्या है, आई थिंक यहाँ पे भी सिक्स है क्योंकि यहाँ पे जो छह बिट्स हैं ये देखिए 10 डिफरेंट, 01 डिफरेंट, 10 फिर डिफरेंट, 01 फिर डिफरेंट, 10 फिर डिफरेंट, 01 फिर डिफरेंट, इसका मीनिंग क्या हो गया, सिक्स आ गया डिस्टेंस, छः के छः बिट्स अलग हैं एग्जॉर करेंगे जब, ठीक है। सी टू का सी फोर के साथ देखो 0101 है, यहाँ पे सी फोर का चेक कर लो, 0101 मतलब एक बिट चेंज है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये दोनों सेम है, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे ये भी सेम है, ये चेंज है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या आ गया, ये क्या कह रहा है, 010101, ओके, ये तीन है C2 के, और C4 के क्या हैं, 000111, तो ये बिट चेंज हुई और ये बिट चेंज हुई और सारे सेम है, यस। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना आ गया यहाँ पे, यहाँ पे 2 आ गया बेसिकली डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे जो D min 3 था हमने यहाँ पे 2 कर दिया, ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस 2 हो गया। अब C2 और C6 का क्या है, C2 C5 का, सॉरी C2 और C5, C5 क्या है, 011, तो लिख लेते हैं 011001, ठीक है, यही है ना। अब क्या है चेंजेस, एक तो ये है यहाँ पे 0, सॉरी ये तो सेम है 010110, ये चेंज है, ठीक है, एक बिट हो गया चेंज, दो बिट चेंज हो गए, ये सेम है, ये भी सेम है, यहाँ पे भी 2 आ गया, ठीक है। C2 और C6 का देख लेते हैं, C2 क्या है, ये है, C6 क्या है, ये है, यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है, तो 3 आ गया। तो अभी तक हमारे पास D min 2 आया है और D max 6 है। C4 C5 का देख ले, अभी C3 बाकी है ना, C3 का भी देख लेते हैं, C3 में क्या है, ये है, और C4 में क्या है, ये है। अब देखिए ये और ये बिट चेंज है, ठीक है, फिर ये और ये बिट चेंज है, 2 हो गए, फिर उसके बाद क्या है, ये और ये बिट भी चेंज है, एंड देन ये और ये बिट भी चेंज है, 4 हो गए कॉम्बिनेशन, उस 4 लिख लेते हैं। फिर C3 C5 में क्या है, C3 और C5 में दिस इज डिफरेंट 1, फिर दिस इज डिफरेंट 2, फिर ये सेम है, फिर ये भी सेम है, एंड दिस इज डिफरेंट 3 एंड दिस इज डिफरेंट 4, तो 4 आ गया यहाँ पर डिस्टेंस। C3 C6 का यहाँ पे 3 जीरो हैं C3 में और C6 में सारे 1 हैं, तो 3 आ गया। अभी तक D में हमारा 2 ही है। उसके C3 के कॉम्बिनेशन देख लिए, C4 के कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, ये C5 है गाइस, ठीक है, ये बाद में देखते हैं, पहले C4 C5 देखते हैं। C4 क्या है, ये है 3 जीरोस 3 वंस, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 2 जीरोस, ये वाले चेंज हुए और ये 2 वंस, यहाँ पे भी 4 आ गया डिस्टेंस। C5 C6 देख लेते हैं, C5 ये है, यहाँ पे 3 जीरोस हैं, यहाँ पे सारी वंस हैं, तो 3 आ गया। C4 C6 C4 दिस वन 3 जीरोस, यहां पे सारे वंस, तो 3 आ गए। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना आया, 2। ऐसे आपको सारे कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे, ये इसमें ट्रिक थी, प्रैक्टिस करेंगे, मैंने वीडियो में धीरे धीरे समझाया, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही फास्ट होने लग जाएगा, ठीक है। मैंने पूरी एग्जाम्पल के साथ आपको इसलिए समझाया कि सिर्फ यही दो केस थे, सी टू सी फोर सी टू सी फाइव, जहाँ पे डिस्टेंस 2 आ रहा है और वहाँ पे 3 4 और 6 आ रहा है, तो कन्फ्यूज मत हो, ये आंसर क्या है, हमें सिर्फ मिनिमम आंसर देना है, दैट इज 2, राइट, ओके, थैंक यू।